जीवन आज मैं आपको चिकन बिरयानी बनाने की रेसिपी बताऊंगी। उसके लिए सबसे पहले आपको अदरक और लहसुन का पेस्ट बनाना है। मैंने 1 किलो चिकन लिया है जिसे मैंने बहुत अच्छे से साफ करके एक बड़े से पतीले में डाल दिया है। उसके बाद आपको उसमें 3 चम्मच धनिया पाउडर, 2 चम्मच गोलकी जीरा पाउडर, 3 चम्मच लाल मिर्च पाउडर और स्वाद अनुसार नमक, 1 चम्मच हल्दी, 2 चम्मच बिरयानी मसाला डाल देना है। फिर उसे आपको अच्छे से मिक्स कर लेना है। और फिर मैंने आधा लीटर रिफाइन के लिया है जिसमें मैंने थोड़ा सा सरसों तेल और 1 चम्मच घी का इस्तेमाल किया है। उसे गरम करके उसे मैंने अपने चिकन के ऊपर डाल दिया है। उसके बाद मैंने दही दिया है 250 ग्राम और 3 बड़े नींबू का रस डाल दिया है। फिर उसे अच्छे से मिक्स करने के बाद 3 बड़े प्याज को काट कर उसे अच्छे से रोस्ट करके रिफाइन तेल में उसे ऊपर से चिकन के ऊपर डाल दिया है। फिर मैंने चावल के लिए एक बड़े पतीले में पानी डाला है जिसमें सारे खड़े मसाले डाल दिए हैं। उसमें तेल डाला है, अगर नींबू हो तो नींबू डाल दीजिए, नहीं तो विनेगर भी आप डाल सकते हैं। फिर उसमें चावल डाल दिया है। चावल को 80% पकाना है और 20% कच्चा रखना है। फिर उसे चिकन के ऊपर लेयरिंग करके डाल दिया है। उसके ऊपर बिरयानी मसाला थोड़ा सा डाल दिया है। फिर फूड कलर अगर आप चाहे तो दूध में मिलाकर डाल दीजिए, वरना से आप स्किप भी कर सकते हैं। उसके ऊपर मैंने धनिया और पुदीना भी रख दिया है चावल को। और आपको इसे ढक कर 5 मिनट तेज हाई फ्लेम पे पकाना है और 45